गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह बन रहा है ब्रेकफास्ट और आज ये हमारे नए अदिति सुबह सुबह तैयार हो गया है सत्संग जाने के लिए। बहुत टाइम बाद इन्हें याद आया कि मुझे जाना ही चाहिए आज। और बाकी आज सब उठ चुके हैं, आज है संडे और हमने सोचा कि कुछ अच्छा बनाते हैं खाने के लिए। आज हमारी छुट्टी है, मुश्किल के बाद हफ्ते की छुट्टी मिली है। और ये सुबह की पूजा हो चुकी है। सॉरी, प्याज और खीरे के जो है बारीक स्लाइसेस कर लिए और अब हम इनको दो मिर्च के पीसेंगे। ये नहीं अदिति अपना पूरा जोर लगा रहे हैं मसालों जितना भी मटेरियल है ग्राइंड करने में। जो ये राक्षस वाली स्माइली है, ये पब्लिक स्माइल देखी जाए। देखो सारे प्राणी लंबी कर दम हाय पानी। हां ये दोस्त सॉस का ढक्कन बंद रखा था और सॉस डाल रहे थे और फिर बोली ये साइड से निकल रहा है। तो करो जल्दी करो, उसी तो ग्रेट जल्दी करो। बड़े वाला। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे सफाई अभियान चला है संडे का और इतने जाड़े हो गए हैं खिड़कियों में, जैसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे पता नहीं कितने जन्मों के बाद रहने आए हैं। ये सप्पू बिचारी अपने रूम की खिड़कियाँ साफ करने लगी हैं, कुछ लोग बाहर खिड़कियाँ साफ कर रहे हैं और मैंने भी अपने रूम की खिड़कियाँ साफ कर दी। अभी तो फिलहाल सामान बिखरा है, पोचा वगैरह लगाया हमने पर इसको हम सेट करेंगे अच्छे से। और अभी हमारा सारा किचन जो है वो साफ करने को पड़ा हुआ है, हमने सारी अंदर बाहर की सारी खिड़कियाँ साफ कर दी हैं और थोड़ी बाहर की भी सफाई कर रहे हैं। और ये हमारा एलोवेरा प्लांट जिसको हम नीचे से उठा के लाए थे, अब इसमें बहुत सारे प्लांट इसमें एक एक ही पॉट में आ गया, मैं अब इसको थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा। इतनी जगह कंजस्टेड हो गई कि एक पौधा तुम्हारा बाहर ही ग्रो कर गया है। बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आज आपको सफाई करके। जब भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो लाइफ में तो सफाई करनी चाहिए, अंदर से अच्छा लगता है साफ साफ। तो फ्रेंड्स फाइनली सफाई कंप्लीट हो चुकी है। और अब तेल डलवाया जा रहा है बालों में और ये हमारे जो अच्छे खासा तेल डलवा लगाते हैं ली ये बालों में सभी। तो फ्रेंड्स सारा काम करने के बाद अब बन रहा है लंच और लंच में हम इतनी गर्मी में बना रहे आज मक्की की रोटी। हम उस बात पे विश्वास रखते हैं कि गर्मी को गर्मी काटती है, गर्मी को गर्मी काट सकती है। और ये कढ़ी बन रही है ना ये दीदी। तो लगती तो इसी के साथ है ना, अच्छी कड़ी के साथ मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है, तब नहीं गर्मी देगी। हम इसको फ्रिज में ठंडा करके खाएंगे फिर ये गर्म। हम इसको गर्मी नहीं करेंगे, बना लेंगे बाद में क्या गर्मी देगी।